Hello children, so this is assignment number 2 for chapter 15, that is improvement in food resources. So we'll cover all these questions, okay, and with their answers. So the first question which I have given you is compare the use of manures and fertilizers in maintaining the soil fertility. सो चिल्ड्रन यहाँ पे आपको मैन्योर और फर्टिलाइजर को कंपेयर करना है कि दोनों कैसे इफेक्ट करेंगे जस्ट टू मेंटेन दी सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी को इंश्योर करने में. एक्सक्यूज मी, हाउ दीज मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स गोइंग टू कंट्रीब्यूट. सो यू मे राइट लाइक दिस दैट मैन्योर कंटेन मैनी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन विच कैन बी ईजली डिग्रेडेड एंड एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स. ठीक है, सो मैन्योर्स में बहुत ढेर सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो बायोलॉजिकल ओरिजिन के होते हैं, जिन्हें सॉइल बहुत ईजली एब्जॉर्ब कर लेता है. ये वेस्ट मटेरियल को रिसाइकिल करने में भी हेल्प करता है, क्योंकि आपको पता है चिल्ड्रन दैट मैन्योर इज कम्पोज ऑफ वेस्ट मटेरियल, वेस्ट एक्सक्रीटा ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑल दीज डेड रिमेन्स. मैन्योर्स इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन विदाउट कॉजिंग एनी हार्म. तो यहाँ पे मैन्योर क्या कर रहा है, उनकी सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज कर रहा है विदाउट एनी हार्म. ठीक है, हाउ एवर द केमिकल फर्टिलाइजर्स दैट इज यूरिया इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन. अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैन्योर टाइम लेता है मगर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करेगा. फर्टिलाइजर्स आपका क्विक आपको रिस्पॉन्स करेगा, बट द ड्यूरेशन द इफेक्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स इज फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन. बट फर्टिलाइजर्स ऑल्सो कॉज इन्वायरमेंटल हैजार्ड. ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं होते हैं बिकॉज दीज आर कंपोज ऑफ केमिकल्स. ये केमिकल्स के द्वारा बनाए जाते हैं लेबोरेटरीज में. सो कंटिन्यूअस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स इन अ पर्टिकुलर एरिया क्रॉप फील्ड कॉजेस डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी. तो अगर हम फर्टिलाइजर्स को एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत लंबे टाइम तक यूज करेंगे चिल्ड्रन, तो वहां पे उस सॉइल की फर्टिलिटी को डिग्रेड करेगा आपका फर्टिलाइजर. इंस्टेड अगर हम मैन्योर्स को यूज करेंगे तो मैन्योर्स क्या करेगा, मैन्योर्स में देखो कोई स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा वहां पे, मगर वो ओवरऑल सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में और लॉन्ग रन तक इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होने के साथ साथ लॉन्ग रन तक आपके सॉइल के फर्टिलिटी को इंश्योर करेगा. I hope this is clear to you. So next question is, which of the following condition will give most benefit and why? So the first condition is farmer are use high quality seeds, do not adopt irrigation or use fertilizers. अब यहाँ पे देखो children, the second is asking that farmers use ordinary seeds, adopt irrigation or use fertilizers, and the C part is the farmers use quality seeds, adopt irrigation, use fertilizers and use crop protection measures. ठीक है, तो अब इन तीनों में आपको ये देखना है कि कौन सी कंडीशन आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करने वाली है. सो द कंडीशन सी दैट इज फार्मर्स यूज क्वालिटी सीड्स, एडॉप्ट इरिगेशन, यूज फर्टिलाइजर्स एंड यूज क्रॉप प्रोटेक्शन मेजर्स. सो ऑप्शन सी विल गिव यू द मोस्ट बेनिफिट्स बिकॉज ऑल दीज कंडीशंस आर रिक्वायर्ड फॉर गुड क्रॉप प्रोडक्शन. हाई क्वालिटी सीड्स दैट इज हाई क्वालिटी सीड्स जर्मिनेट प्रॉपरली एंड प्लांट विल गोइंग टू बी ग्रो, ठीक है, प्रॉपरली. इरिगेशन ऑल्सो हेल्प्स द क्रॉप प्लांट्स टू फाइट अगेन ड्रॉट स्ट्रेस, मतलब पानी की कमी से, क्योंकि पानी वाटर इज अ वेरी एसेंशियल कॉम्पोनेंट दैट इज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट इन देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो वहां पे इरिगेशन हेल्प द प्लांट टू फाइट अगेंस्ट द ड्रॉट स्ट्रेस. पानी की कमी से उसको उस सिचुएशन को फेस करने में इरिगेशन आपका हेल्प करेगा. फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड डिजायर्ड न्यूट्रिएंट्स एंड क्रॉप प्रोटेक्शन मेजर्स. देखो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ही बताया था, फर्टिलाइजर्स आपके डिजायर्ड न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड कर देगा. केमिकली सिंथेसाइज किया जाता है फर्टिलाइजर्स. एंड प्रोटेक्शन मेजर्स लाइक यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, यूज ऑफ वीडिसाइड, फंगिसाइड्स, ऑल द इंसेक्टिसाइड्स. फाइन, विल गोना प्रोटेक्ट द क्रॉप प्लांट फ्रॉम द डिजीजेस, वीड्स एंड पेस्ट. So option C is going to be the most favorable condition and will give you the maximum benefit. Moving to the next question we have, why should preventive measures and biological control methods be preferred for protecting crops? ठीक है,
So, why should preventive measures and biological control methods be preferred for protecting crops? ठीक है. So, the answer for this question is preventive measures such as use of disease resistant varieties of the crops and biological control methods should be preferred for protection of crops because they are ecologically safe, environmental friendly होते हैं, ecologically safe होते हैं, target specific and harmless to the other life forms. इनका जो एक्शन होगा दैट इज वेरी स्पेसिफिक और ये दूसरे लाइफ फॉर्म को बिना डिस्टर्ब करे ये अपना एक्शन परफॉर्म करेंगे. द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस, व्हाट फैक्टर्स मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉसेस ऑफ ग्रेन्स ड्यूरिंग स्टोरेज. सो कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है ग्रेन लॉस के जब हम उसको स्टोर करते हैं. सो बायोटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं चिल्ड्रन, एबायोटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं. बायोटिक फैक्टर्स में इट इंक्लूड्स योर इंसेक्ट, ठीक है, इट्स लाइक ग्रब्स ऑफ पल्स बीटल, ग्रब्स ऑफ अडल्ट ऑफ राइस व्हील एंड ऑल ऑफ द स्टफ, व्हीट व्हील, कैटरपिलर, ठीक है, रोडेंट्स हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकती हैं, माइट्स हो सकते हैं. आप इसको रीड करिएगा, ठीक है. सो लाइक दिस यू कैन इंक्लूड सम ऑफ द बायोटिक फैक्टर्स दैट इज गोइंग टू रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉसेज ड्यूरिंग द स्टोरेज. स्टोर करते टाइम जो भी लॉस होते हैं वहां पे ये इफेक्ट करेगा. एबायोटिक फैक्टर्स की बात करें तो ऑब्वियसली मॉइस्चर, टेम्परेचर एंड अदर लॉन्ग लिविंग फैक्टर्स जस्ट लाइक योर वाटर, एयर, सो ऑल दीज आर योर एबायोटिक फैक्टर विच गोइंग टू इफेक्ट द स्टोरेज ऑफ द फूड ग्रेन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड द लास्ट फॉर दिस असाइनमेंट, विच मेथड इज कॉमनली यूज फॉर इम्प्रूविंग कैटल ब्रीड्स एंड वाई. तो हमें कौन सा मेथड यूज करते हैं हम कैटल ब्रीड को इम्प्रूव करने के लिए. सो द मिल्क प्रोडक्शन ऑफ कैटल कैन बी इंक्रीज्ड बाय टेक्निक ऑफ सेलेक्टिव ब्रीडिंग. सेलेक्टिव ब्रीडिंग हम करवाते हैं, दिस इज डन बाय क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन अ लोकल ब्रीड. लोकल ब्रीड को हम इंडिजिनस ब्रीड भी कहते हैं, जैसे हमारे रेड सिंधी, शाहीवाल जो हमें लोकली देखने को मिलते हैं हमारे नेटिव एनवायरमेंट में, और एक्जॉटिक ब्रीड. एक्जॉटिक ब्रीड को हम फॉरेन ब्रीड भी कहते हैं जो इंडिया में हमें नहीं देखने को मिलेंगे या नेटिव जो अवेलेबल नहीं है जिन्हें हम अब्रॉड से मंगवाते हैं या उन्हें हम लेके आते हैं तो उन्हें हम एक्जॉटिक ब्रीड कह देंगे. सो द लोकल काउ सेलेक्टेड फॉर द कैरेक्टर्स ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस, द एक्जॉटिक ब्रीड ऑफ वुल इज सेलेक्टेड फॉर द कैरेक्टर ऑफ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ लैक्टेशन एंड हाई यील्ड ऑफ मिल्क. तो यहाँ पे लैक्टेशन पीरियड शुड बी लॉन्ग सो डैट हाई यील्ड ऑफ मिल्क शुड बी इंश्योर्ड. इसी के लिए दीज आर द रिक्वायर्ड कैरेक्टर्स विच वी सी वाइल्ड कैटल रियरिंग, ठीक है. द ब्रीडिंग मे बी डन बाय नेचुरल मेथड्स और बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. अब चिल्ड्रन आपके लिए ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा नया है, दैट इज वॉट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है. अब यहाँ पे हम क्या करते हैं ना चिल्ड्रन कि हम क्या करते हैं कैटल्स में, बेसिकली फीमेल कैटल्स में वी टेंड टू इंजेक्ट द डिजायर्ड सीमेन, ठीक है, दैट इज अ मेल सेल स्ट्रक्चर दैट वी इंजेक्ट द सीमेन ऑब्टेन फ्रॉम द डिजायर्ड बुल, ठीक है. हमें किस तरह की हमें प्रोजेनी की रिक्वायरमेंट है या हम किस तरह की प्रोजेनी एक्सपेक्ट करते हैं उस बेसिस पे हम क्या करेंगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर देंगे. सो वहां पे इंजेक्टिंग द सीमेन ऑब्टेन फ्रॉम द डिजायर्ड बुल इनटू द रिप्रोडक्टिव ट्रैक दैट इज वजाइना ऑफ द काउ ड्यूरिंग देयर फर्टिलिटी पीरियड एंड दस द डिजायर्ड कैरेक्टर्स आर दस ऑब्टेन्ड इन द नेक्स्ट जनरेशन. इससे हम नेक्स्ट जनरेशन जो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग है उसमें हम डिजायर्ड कैरेक्टर्स को एक्सपेक्ट करते हैं. ओके, डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द इम्प्लीकेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट पोल्ट्री इज इंडियाज मोस्ट एफिशियंट कन्वर्टर ऑफ द लो फाइबर फूड स्टफ विच इज अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इन टू हाईली न्यूट्रिशियस एनिमल प्रोटीन फूड. तो इसको इस सेंटेंस को आपको यहाँ पे कंसिडर करना है. सो पोल्ट्री बर्ड्स बेसिकली यूटिलाइज द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स विच इज अनफिट फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन. चिल्ड्रन आपको भी बहुत अच्छे से पता है दैट देयर वाज अ टू सॉर्ट ऑफ फूड मटेरियल्स, फूड क्रॉप्स एंड द फॉडर क्रॉप्स. फॉडर क्रॉप्स को स्पेसिफिकली हम एनिमल फीडिंग के लिए ही ग्रो करते हैं, ठीक है. इन रिटर्न दे गिव्स अस एग्स एंड हाई क्वालिटी मीट. आपको भी पता है एग्स के लिए बर्ड्स आर यूजिंग दैट इज नोन एज लेयर फार्मिंग. पोल्ट्री मीट के लिए है दैट इज नोन एज द ब्रॉयलर्स विच सर्व एज अ चीप सोर्स ऑफ द एनिमल प्रोटीन, ठीक है. सो मीट इज बेसिकली सर्व स्पेसिफिकली पोल्ट्री बर्ड्स मीट इज बेसिकली सर्व अस एज चीप सोर्स ऑफ द प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन,
ठीक है, तो इसको हम इस बेसिस पे लिख सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर असाइनमेंट टू. चिल्ड्रन अगेन आई एम टेलिंग यू, ये एक सिर्फ एक तरीका है, मुझे जो समझ में आया या एक जो स्टैंडर्ड आंसर्स हो सकता था इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस का, तो मैंने वही पुट किया है. इसके अलावा अगर आपको कोई पॉइंट रेलेवेंट लगता है आप उसको ज़रूर इंकॉर्पोरेट करिएगा अपने असाइनमेंट के आंसर में. ठीक है, एग्जैक्टली कॉपी करने के देयर वॉज नो सच रिक्वायरमेंट, यूज़ योर ओन क्रिएटिविटी. थैंक यू.